बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में 1 kg हमने चिकन डाला है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आज आपको कुछ नया और कुछ हटके जानने को मिलेगा और रेसिपी तो सुभान अल्लाह। सबसे पहले इस थोड़े से कुकिंग ऑयल के अंदर हम इस चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस चिकन का जो पानी है उसको यहाँ पे अच्छे से ड्राई करना है। जैसे ही ये चिकन इसमें जाएगा ये अपना पानी छोड़ देगा, ठीक है। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन के पानी को बिल्कुल हमने ड्राई कर देना है, इससे इसकी स्मेल बिल्कुल दूर हो जाएगी। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, जब इसके ऊपर रेड से खूबसूरत से डॉट्स आ जाएंगे, 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है। याद रखिएगा यहाँ पे नमी नहीं, पानी नहीं, इसलिए लहसुन जो है वो जल सकता है, ठीक है। लो फ्लेम पे ऊपर आपसे इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरे का थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं बहुत ही शानदार फ्लेवर के लिए। और मैं आपको फिर बता दूँ कि फ्लेम हमने यहाँ पे लो किया हुआ है और साथ ही 3 से 4 बड़ी इलायची इसमें जाएंगी, जिससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कंप्लीट केमिस्ट्री है जिसमें चिकन के टेस्ट को डिवेलप किया जाता है, ठीक है। तो बहुत कम कुकिंग ऑयल मैंने यूज़ किया है। इसी ऑयल के अंदर ये देखें हमारा जो अदरक लहसुन है वो जला नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको ऐड किया तो हमने फ्लेम को लो कर दिया था। चलें जी, यहाँ पे तकरीबन अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद आपने 5 मिनट पका लेना है। 3 से 4 छोटी इलायची भी ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। ये लें जी, अब यहाँ पे चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अदरक और लहसुन के पेस्ट में चिकन पकने से इसके अंदर खुशबू भी आ चुकी है शानदार। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप दही के अंदर 1/2 टीस्पून जीरा लेंगे दोबारा से पाउडर फॉर्म में, और 1 टेबलस्पून खुश धनिया पाउडर इसमें जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें लाल मिर्ची हल्दी में ऐड नहीं कर रहा। 1 टीस्पून नमक का जाएगा जस्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। आप इसमें ये आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं, इससे एक तो कलर का डिफरेंस होता है, दूसरी बात वाइट पेपर के अंदर खुशबू ज़्यादा होती है क्योंकि इसको धूप में ड्राई नहीं किया गया होता। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और ये बहुत ही शानदार हमारा जो एक मैरिनेशन टाइप, एक जो कह लें कि सॉस सा तैयार हो जाएगा जिसको हम रेसिपी में यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। याद रखिएगा ना लाल मिर्च, ना कुटी हुई लाल मिर्च और ना ही हल्दी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इस चिकन के अंदर इस दही को, इस जूसेस को, इन सॉसेस को हम ऐड कर देंगे और ये कमाल दिखाएंगे। जब तक चिकन तैयार नहीं इस चीज़ के लिए हो जाता, दही आपने ऐड नहीं करनी, ठीक है। नमी चिकन को तब मिलेगी जब चिकन का सारा पानी हम ड्राई कर चुके होंगे और मसालों की खुशबू भी ऐड कर चुके होंगे। थोड़ा सा इसमें जस्ट प्याज आएगा फ्लेवर के लिए और एक थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको ना, एक खट्टेपन के लिए। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ये लें जी, अब इसमें मैं प्याज ऐड करने लगा हूँ, एक बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पे प्याज की क्रीम और फ्लेवर। अगर मोटा काटते तो ये नज़र आना था, और अगर हम स्टार्ट में इसको ऐड कर देते तो तब नमी नहीं थी, तब ये इसने रेड होके, ब्राउन होके कुछ और फ्लेवर दे देना था, जो कि आज हमें नहीं चाहिए। तो इस रेसिपी में प्याज आपने यहीं पे ऐड करने हैं, ठीक हो गया। अब आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है, ढक्कन रख देना है। कम से कम 12 से 13 मिनट के लिए आपने इस चिकन को पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है, पहले हमने इसके जो स्मेल दूर की, उसके बाद हमने इसको खुशबूएं दी, अब हमने शानदार सा सॉस डाल के इसको गला लिया है। अब हम करेंगे थोड़े से दूसरे स्पाइसेस के काम। हरी मिर्चें 3 से 4, मतलब ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे, और अदरक स्पेशली इसमें जाएगा स्पेशल फ्लेवर के लिए, बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ आपने लेना है। अच्छे से इसकी करेंगे मिक्सिंग। अभी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें जाने वाली हैं, इसका भी बहुत स्पेशल इंशाल्लाह ट्रीटमेंट होगा। चलें जी, मिक्स गरम मसाला ये ऑप्शनल है 1/2 टीस्पून, और ये है हमारे पास क्रीम, ठीक है। हमने जो ऑयल कम यूज़ किया था वो ये सारी कसर पूरी कर देगी। तकरीबन 1/2 प्याले के करीब मैं क्रीम ले रहा हूँ। जो आपके पास घर में दूध की बलाई या दही की बलाई होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात होती है। तो मैं यहाँ पे डिब्बे वाली ले रहा हूँ जो इजीली अवेलेबल होती है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। याद रखिएगा क्रीम में भी एक कच्चापन होता है जिसको आपने पका के दूर करना होता है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। चम्मच को निकाल लेते हैं, फ्लेम को फिर से लो कर देते हैं, एक दफ़ा फिर ढक्कन रख देते हैं जस्ट 5 से 7 मिनट के लिए। इसमें जो ये क्रीम का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और
जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एक शाइन सी आ जाएगी चिकन के अंदर, एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा इसमें धनिया ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए और एक दफ़ा मिक्स करेंगे। फाइनल लुक आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल ललचा जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट, कितना क्रीमी और कितना खूबसूरत है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी अच्छा है, कुछ भी नया सीखा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बिरयानी की रेसिपी, पुलाव की रेसिपी, यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी और हर तरह की रेसिपी के लिए हमारे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाइए।